मैं हूँ शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो भाई, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आप लोग क्लास में टॉपर बन रहे हैं, ये पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। ओके, तो ऐसे ही हमें अभी पढ़ाई करनी है और ये जो टॉपर का जो टैग लगा है ना अपने ऊपर, उसको हमेशा से बरकरार रखना है। ठीक है, तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 2 के बच्चों के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था ये जो आप लोगों का यूनिट 2.1 शेमिलियन, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। और मैंने आप लोगों से उसी वीडियो में कहा था कि यूनिट 1 जो है हमारा हो गया है कम्प्लीट, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। पूरे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे सेकंड स्टैंडर्ड के, और ऑल सब्जेक्ट, आपके जितने भी सब्जेक्ट है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो जाइए देखिए और टॉपर बनिए। ओके, अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये जो आप लोगों का 2.2 एक्टिविटी टाइम है। तो क्या है भाई इस एक्टिविटी टाइम में, तो चलो हम लोग अभी सीखते हैं। ओके, तो 2.2 एक्टिविटी टाइम। ए, लुक एंड रीड, देखो और पढ़ो। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों को पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ, अभी ये पिक्चर देखिए, तुम लोगों को फटाक से पता चल रहा है कि ये किस चीज का पिक्चर है क्या नहीं। अभी आप लोगों को हम लोग नाम भी पूछेंगे तो नाम भी आप लोग बता दोगे, लेकिन उसकी स्पेलिंग्स क्या होती है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ विद एक्सप्लेनेशन कि ये जो आप लोगों का एक्टिविटी टाइम है आप लोगों के लिए कैसे इजी होगा। ठीक है, और हाँ, मैं जो भी इम्पोर्टेंट बताती हूँ ना वो आप लोगों को एग्जाम में 100% जरूर आएगा। ठीक है, तो जरा सीरियसली हंसी मजाक बाजू में रख के अच्छे से वीडियो देखिएगा। ठीक है, सीखते सीखते हम लोग मस्ती करेंगे। सो ये है मैंगो। मैंगो याने क्या? मैंगो याने आम, है ना, MANGO, मैंगो याने आम। ये है रोज। रोज किसे पसंद नहीं होता भाई, है ना, और कितने कलरफुल एंड ब्यूटीफुल रोसेस हम लोगों को दिखाई देते हैं, है क्या नहीं। तो रोज यानी गुलाब, ROSE, रोज यानी गुलाब। ये है लोटस। तुम लोगों को पता है ये जो लोटस का फूल होता है ना, वो लक्ष्मी माता जो है ना, धन की देवी, उसे बहुत ही पसंद है और वो बैठती भी है, देखो लोटस के ऊपर ही वो बैठती है। अगर आपने नहीं देखा होगा ना तो आप लोग मम्मी को बोलिए, पापा को बोलिए, या फिर इंटरनेट में आप देखिएगा, लोटस के ऊपर लक्ष्मी माता बैठती है। तो उनका जो ये बहुत फेवरेट फूल है और उनके हाथ में भी लोटस का फूल होता है। तो ये है लोटस, LOTUS, लोटस। ये है पोटैटो। पोटैटो मेरी फेवरेट सब्जी है ये पोटैटो। क्या आप लोगों को भी पोटैटो पसंद है? मैं मेरी टीम में कौन कौन है जरा मुझे बताएंगे आप लोग? ओके, तो आपका नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग है ना पोटैटो फैंस, है क्या नहीं। तो ये है पोटैटो यानी आलू, POTATO, पोटैटो मींस आलू की सब्जी, बहुत ही अच्छी लगती है। सो ये जो है नेक्स्ट, ये है अनियन। अनियन यानी कांदा। कांदा खाते हैं क्या तुम लोग? खाते हैं? हाँ, तो ये है कांदा। कांदा काटते हैं तो क्या होता है, ऑनियन काटते हैं तो मम्मी बिचारी उसकी आंख में से पानी आता है। घर में जितने लोग बैठे रहते हैं सबके आंख में से पानी आता है, मम्मी बंद कर दो ये ऑनियन काटना, बोलते हैं ना तुम लोग, मेरी आंखें जल रही है, मेरे आंखों में से पानी आ रहा है। अभी तो तुम लोग अभी बोलोगे तो कैसे बोलोगे मालूम है, मम्मी ये ऑनियन है ना, ONION, अनियन, ये काटना बंद करो, ऐसे बोलो तो स्पेलिंग अपने आप पार्ट हो जाए, बाय हार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है टोमेटो। टोमेटो भी मुझे बहुत पसंद है। कभी कच्चा टोमेटो शक्कर के साथ खा के देखा है क्या आप लोगों ने? जरा खा के तो देखो कितना अच्छा और जूसी लगता है।
लेकिन टमाटर पका हुआ होना चाहिए, तो कच्चा टमाटर खाओगे फिर बोलोगे अरे कहाँ जूसी है, ऐसे नहीं चलेगा। तो अच्छा वाला टोमेटो लेके खाना। तो टोमेटो TOMATO टोमेटो। ओ ये तो है रैबिट। रैबिट कितना प्यारा लगता है ना ये। तो रैबिट आप लोगों ने देखा है क्या, कभी देखा है? किसी किसी के घर में वो लोग पेट करके भी रैबिट भी पालते हैं, ठीक है। तो ये है रैबिट, RABBIT रैबिट। ये है ग्रेप। ग्रेप्स फ्रूट बहुत अच्छा होता है अपने हेल्थ के लिए, ओके। उसमें ना सी विटामिन बहुत ज्यादा होता है, तो हमें सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं ना हमेशा खाने चाहिए, नखरे नहीं दिखाने के मम्मी को। बाहर के चिप्स वेफर कैसे खाते हैं तुम लोग, खाते हैं ना? उसके लिए तो मम्मी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, खा 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 खा, वरना सब्जी भाजी होगी तो कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता है मम्मी को खिलाने के लिए तुम लोगों को। वेरी बैड अगर तुम लोग ऐसा करते रहेंगे तो। ये है ग्रेप्स, ओके। और ये है जैस्मिन। जैस्मिन का फूल है ना बहुत ही अच्छा और सुगंधी होता है, ठीक है। तो JASMINE जैस्मिन। ये बाप रे स्नेक, कौन से स्नेक के नाम, अगर मैं आपको पूछू ना स्नेक के नाम बताओ तो सबसे पहले आप लोग नाम लोगे कोबरा, है ना, क्योंकि कोबरा जो स्नेक है ना सबको पता होता है, बच्चों को भी पता होता है। तो ये है लेकिन स्नेक, स्नेक यानी सांप, ओके। और है ना बताओ मैं तुम लोगों को एक बात बच्चों, स्नेक जो होते हैं ना सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते हैं। सारी दुनिया में जितने जाति के भी स्नेक्स है ना उसमें से सिर्फ 5 स्नेक्स जो होते हैं ना वो ही पॉइजनस होते हैं। पेरेंट्स अगर आप जानते हैं उन स्नेक्स के नाम तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। उसके बाद ये है मैरीगोल्ड यानी झेंडू का फूल। तो मैरीगोल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, भगवान को भी चढ़ाते हैं हम लोग। MARIGOLD मैरीगोल्ड। ओ एलिफेंट, ह्यूज एनिमल, बड़ा एनिमल होता है ना, तो एलिफेंट ELEPHANT एलिफेंट। उसके बाद ये है गवा। गवा भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेडिसिनल होता है, और पेट के लिए है ना गवा बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भी फ्रूट आप लोगों को खाना ही चाहिए। तो गवा का स्पेलिंग देख लो भाई आप, GUAVA है वो, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं GUVA लिख देते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं GAVA लिखते हैं, तो नहीं चलेगा ऐसे। GUAVA गवा। एप्पल APPLE एप्पल। और एक कहावत है ना, ईट एन एप्पल एंड कीप अवे डॉक्टर। हर रोज एक एप्पल खाना चाहिए तो कभी हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एप्पल जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोगों को भी हर रोज एप्पल खाना चाहिए। उसके बाद एक कुकुम्बर। कुकुम्बर भी बहुत ही स्वादिष्ट एंड टेस्टी होता है। अगर तुम लोग बाहर सैंडविच वगैरह खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, पिज्जा वगैरह में भी तुम लोगों को ककुम्बर मिलता है, ठीक है। अपना देसी ककुम्बर कोई, अभी पिज्जा विज्जा में शायद वो लोग वहां का ककुम्बर यूज करते होंगे। उसके बाद है टाइगर। ओ टाइगर, तो टाइगर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है ना, तो TIGER टाइगर यानी शेर, ओके। हाँ तो अभी ये हम लोगों ने तो अभी पढ़ लिया और समझ भी लिया, अभी नीचे इन लोगों ने हमें दिया हुआ है कुछ तो भी लिखने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ टेबल दिखाई दे रहा है। बी राइट द अबाउ रिमेनिंग वर्ड्स इन द गिवन ग्रुप, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर अभी ये जो भी वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े है ना, तो उसको हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो भी है उसमें के फ्रूट्स कौन से है, वेजिटेबल्स कौन से है, एनिमल्स कौन से है, और फ्लावर्स कौन से है, तो वो हम लोगों को यहाँ पर लिखने के लिए कहा है, ठीक है। अभी ये जो है ना मैं आप लोगों को पेन से लिख कर बताऊंगी, क्योंकि अगर पेंसिल से पता नहीं दिखाई देगा भी या नहीं। तो अभी देखो फ्रूट्स, तो यहाँ पर हम लोगों को कौन से फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, कम ऑन बोलो बोलो कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर फ्रूट। वेरी गुड, मैंगो, यस गुड,
और वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो ये है ग्रेप्स, क्या है, फ्रूट है। और कौन सा फ्रूट दिखाई दे रहा है? यस, ये है गवा। एंड वेरी गुड रे, तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ, क्यों नहीं स्मार्ट होंगे भाई, ये शालिनी हुबली करके जो स्टूडेंट्स है। तो अभी हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। लिखते समय स्पेलिंग्स अच्छे से देख के लिखना है, और लिखते समय स्पेलिंग्स बोल बोल के लिखना है, तो हमारी गलती नहीं होती है। तो ये है मैंगो, एम नहीं दिखाई देगा, मैं पेन से ही लिख कर बताती हूँ, ओके, वरना कमेंट करेंगे दिखता नहीं रही है टीचर, नहीं दिखाई दे रहा है करके। ये है मैंगो, तो मैंगो की स्पेलिंग क्या है? एम ए एन जी ओ, मैंगो। दूसरा फ्रूट क्या है? यस करेक्ट, ग्रेप है। अरे अपने टेक्स्ट बुक में देखो ना, तुम लोगों को मेरे टेक्स्ट बुक में क्या देखने का है। तो सेकेंड है ग्रेप्स, वेरी गुड, जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स, ओके। देन यस गवा, जी यू ए वी ए, गवा। और ये है एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल की स्पेलिंग तो तुम लोगों को फटाक से याद है ना, ए डबल पी एल ई एप्पल। कितने भी छोटे बच्चे को पूछो वो बता देगा एप्पल की स्पेलिंग, क्योंकि सबसे पहले मम्मी एप्पल ही सिखाती है ना। एप्पल का स्पेलिंग बोलो बेटा, एप्पल का स्पेलिंग, तो हर बच्चे को एप्पल का स्पेलिंग पता होता है। अभी हम लोग ढूंढेंगे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ। तो कौन सी सब्जियाँ है? यस पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो एंड कुकुम्बर। तो अभी हम लोग इनके नाम लिखते हैं यहाँ पर, स्पेलिंग बोल बोल के लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिखेंगे, छापना नहीं है हम लोग को, है क्या नहीं। फिर ये है पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो। ऑनियन, ओ एन आई ओ एन, ऑनियन। टोमेटो, टी ओ एम ए टी ओ, टोमेटो। उसके बाद है कुकुम्बर, सी यू सी यू एम बी ई आर, कुकुम्बर, ओके। उसके बाद है एनिमल्स, तो एनिमल्स कौन से दिखाई दे रहे हैं हमें? यस रैबिट, देन हाँ स्नेक, वेरी गुड रे, वेरी स्मार्ट। फिर एलिफेंट एंड टाइगर, ओके। सो अभी हम लोग लिखते हैं एनिमल्स। एनिमल्स सबसे पहले है अपना प्यारा प्यारा छोटा छोटा स्वीट सा रैबिट, आर ए बी बी आई टी, रैबिट। उसके बाद है स्नेक, एस एन ए के ई स्नेक। फिर उसके बाद है ह्यूज बड़ा सा एलिफेंट, ई एल ई पी एच, कुछ बच्चे एफ लिखते हैं तो रॉन्ग, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एंड देन यस शेर, टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर, ओके गुड। अभी देखेंगे फ्लावर्स, तो फ्लावर्स जो है रोज, लोटस, जैस्मिन एंड मैरीगोल्ड। तो लिखते हैं अभी यहां पर आर ओ एस ई रोज, लोटस एल ओ टी यू एस लोटस, देन यस गुड जैस्मिन, जैस्मिन
JASMINE जैस्मीन एंड देन यस मैरीगोल्ड गुड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को डिवीजन करने के लिए एग्जाम में आएगा, ग्रुप्स में आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पिक्चर और ग्रुप्स देंगे, फिर उसमें आप लोगों को नेम्स लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है हु एम आई यानी मैं कौन हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं हमें, एलिफेंट है, ये वॉल क्लॉक है, फिर यहाँ पर ये काइट दिखाई दे रहा है, ये प्यारा सा छोटू सा स्क्विरल, बहुत ही क्यूट होते हैं ये भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हम लोगों को ऑक्स दिखाई दे रहा है, यस ऑक्स ही है ये। ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पर इन लोगों ने ये पिक्चर्स हमें दिए हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने हमें लिख कर दिए हुए कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, हिंट दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों को पता लगाना है कि ये कौन है। ओके रेडी, ओके चलो, अभी तुम लोग को पढ़ के पता नहीं चला होगा, तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी तब तो पता चल जाएगा ना तुम लोग को। वेरी गुड, तो वन, आई हैव टू हैंड्स, मुझे दो हाथ है। ठीक है, बट आई कांट क्लैप, लेकिन मैं ताली नहीं बजा सकता। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई, कौन है जिसे दो हाथ दिखाई दे रहे हैं, है ना, कौन है, ये है क्लॉक। क्लॉक को दो हाथ है, लेकिन वो ताली बजा सकता है क्या, नहीं बजा सकता। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लॉक, सी एल ओ सी के, स्पेलिंग प्लीज बाय हार्ट करना, ये एग्जाम में जरूर आएगा आप लोगों को। देन है टू, आई फ्लाई विदाउट विंग्स एंड हैव अ लॉन्ग टेल, मैं उड़ता हूँ, मुझे पंख नहीं है, मैं उड़ता हूँ लेकिन मुझे पंख ही नहीं है, एंड हैव अ लॉन्ग टेल, और मुझे एक लंबी सी पूंछ है, तो बताओ मैं कौन हूँ, कौन है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो जवाब दे भी दिया, काइट है ना, तो काइट लिखने के लिए हम लोग को उसकी स्पेलिंग भी तो पता होनी चाहिए ना, तो स्पेलिंग याद करनी है तुम्हें। ठीक है, ये है काइट। उसके बाद है थ्री, आई हैव अ बुशी टेल एंड आई लाइक टू ईट नट्स, मेरी जो पूंछ है ना वो बहुत ही बुशी है, यानी से भरी हुई है इसे, और बुश कैसे होता है वैसे, एंड लाइक टू ईट नट्स, उसे नट्स खाना, मूंगफली खाना उसे बहुत पसंद है, तो कौन है वो, यस स्क्विरल। ओके, तो वो है स्क्विरल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्विरल। तो स्क्विरल की स्पेलिंग क्या है, एस क्यू यू आई आर आर ई एल, या फिर डबल आर बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आर आर ई एल स्क्विरल। ओके, का प्रोनाउंसिएशन भी देख लेना बराबर से। उसके बाद है फोर, आई कैन इजीली ईट लीव्स फ्रॉम द टॉल ट्रीज, आई डोंट हैव टू क्लाइंब, आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक, हु एम आई, आई कैन इजीली ईट लीव्स फ्रॉम अ टॉल ट्रीज, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भी मैं पत्ते आराम से खा लेता हूँ, आई डोंट हैव टू क्लाइंब, मुझे पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं, आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक, मुझे क्या है, लंबा सा ट्रंक है, तो वो कौन है, वो एम आई, तो वो है एलिफेंट। तो एलिफेंट अगर चढ़ेगा पेड़ पे तो क्या होगा भाई, पेड़ ही टूट जाएगा, है ना, इसके लिए भगवान ने उसको ट्रंक लंबा दे दिया, भाई तू नीचे से ही खा ले पत्ते पत्ते जो भी तुझे खाना है ना, तो वो है एलिफेंट। तो ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। उसके बाद है फाइव, आई हैव टू हॉर्न्स एंड फोर लेग्स, आई वर्क ऑन द फार्म, हु एम आई, मुझे दो सींग है, हॉर्न्स यानी क्या,
सींग, ये देखो ये जो है वो ये है हॉर्न, ओके उसे सींग कहते हैं। फोर लेग्स तो पता है तुम लोग को लेग्स। और मैं फार्म में काम करता हूँ, यानी मैं खेत में काम करता हूँ, तो वो कौन है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्स। और बुल भी होता है ना, वो भी काम करता है। तो एक बार जरा टीचर से आप लोग पूछ लेना कि यहाँ पर यही आता है ना आंसर करके। अभी पता नहीं टीचर क्या आंसर देगी आप लोगों को, है ना। ऑक्स होता है, बफेलो होता है, तो वो एक बार पूछ लेना टीचर को, ठीक है। तो आई थिंक अपना ये जो है पोर्शन हो गया है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे 2.3 लेट्स स्पीक, ओके। तब तक के लिए ये वीडियो देखना, लाइक करना, नए हैं आप तो सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन टैप करो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देना आप लोग। शुरू कर दिया आपने, वेरी गुड। अच्छा मेरा ही चैनल देखते हैं आप लोग, वेरी गुड, फिर तो आप टॉपर जरूर बनोगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।